अब यहाँ से बोरू डालेगी पानी। आज का 8वां दिन है और अलहमदिल्ला बहुत फ़र्क आया है माँ को। माँ के जो कमर में दर्द था, वो घुटने में जो दर्द था ना, वो सब काफ़ी कम हो चुका है। और एक हफ़्ता बोले ट्रीटमेंट करने के लिए, तो और एक हफ़्ता कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद फिर जो मानगांव में जाने का है, आँखों का मोतीबिंद का ऑपरेशन करने का, जो उनका सर दर्द कर रहा था ना, तो आँखों के प्रॉब्लम से हो रहा था सर दर्द, तो मोतीबिंद तैयार हो चुका है, तो उसका ऑपरेशन करने का है। तो मानगांव में जाऊँगा और वो करूँगा, लेकिन ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर उधर जाऊँगा। अभी माँ आए डॉक्टर के यहाँ से चेकअप करके। माँ को ऐसा लग रहा है, अभी 9 दिन हुए ना, अपने को अच्छा लगता है ना, बहुत फ़र्क है ना। तो मास्क लगा हुआ है, बोलने को जमता नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है माँ को, बहुत फ़र्क है। अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम है कमर दर्द का, घुटने में दर्द का, तो यहाँ पर आओ, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है यहाँ पर आना। लेकिन यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर सब, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉल करके यहाँ पर आ सकते हो। और कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं यहाँ पे पढ़ लो आप लोग, ऐसा तो नहीं पढ़ने मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, रुको जरा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि माहर में आने का रीज़न क्या था, कि मेरा दांत दर्द दे रहा था, इसकी वजह से भी हम माहर में आए। और बाकी और डॉक्टर थे माँ के, जो फिजियोथेरापी करने का था और दांत का माँ का ट्रीटमेंट था। तो अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, तो एक महीना बोले थे, एक महीने तक देख कैसा लगता है। तो 15-16 दिन तो हो चुके हैं मेरे को यहाँ पर आते माहर में, और अभी यहाँ पर हूँ तो अच्छा है कि फिर से दांत दर्द देना स्टार्ट हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले मैं आया था, क्योंकि दांत दर्द बहुत ज़्यादा दे रहा था, तो चेक करने के लिए आया, तो सर ने बताया एक काम कर, कुछ दवाई ले 2-3 दिन के लिए, उसके बाद तो आ जाए यहाँ पर, अपन तेरा रूट कैनल स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला दिन है और आज है फ्राइडे, और माँ को भी आज बुलाए थे दांत निकालने के लिए, लेकिन तो माँ को शाम में लेके आओगा, शाम में या फिर कल लेके आओ। तो चलो, अभी फ़िलहाल पहला नंबर है मेरा, अभी तक कोई आया नहीं, 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो टाइम पे पहुँचाओ, बिल्कुल खाली है अभी तक टाइम है OPD के लिए, तो पहला अपना है तो अपन करेंगे और फिर जाएंगे। तो मिलता हूँ घर पे जाने के बाद, पता नहीं अभी बोलने को जमता है नहीं जमता है, लेकिन देखेंगे। ठीक है, चलो मिलता हूँ। तो अभी जस्ट आया हूँ डॉक्टर के पास से, और थोड़ा है ना, ओके जाओ तुम लोग। तो इस तरफ इंजेक्शन जो मारा था ना अंदर बाढ़ते, तो तोतला हो रहा हूँ मैं हल्का हल्का सा, लेकिन अच्छा सा हो गया रूट कैनल। अभी मंडे ने ट्यूसडे को बुलाया है, ट्यूसडे को जाओगा, उसके बाद नेक्स्ट डे कभी देता है कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है। अब आज के दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, ये अभी जैसे इंजेक्शन का पावर ख़त्म होगा तो दर्द ज़्यादा देगा, तो उस पर गोली दी हुई है, गोली खा लेता हूँ, खाऊँगा बाद में, अभी खाना खाने का है, खाना खाने के बाद फिर गोली वगैरह खाऊँगा और फिर बात करूँगा। ठीक है, चलो फिर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मरहबा, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से रहोगे। तो आज फाइनली दांत के डॉक्टर के पास जाने का है माँ का दांत निकालने के लिए, और मैं कल गया था दांत का रूट कैनल करके आया, तो अभी थोड़ा अच्छा है, तो आज जाएंगे माँ का दांत निकालेंगे, उसके बाद वो दर्द कम होने के बाद है ना उनको लेके जाने वाला मानगांव में, क्योंकि आँखों में मोतीबिंदु तैयार हुआ है, तो उसका ऑपरेशन करने का है, तो इसलिए जाने का है मानगांव में। लेकिन ये जब तक दांत का दर्द कम नहीं होगा तब तक जाऊँगा नहीं, जैसे उनको अच्छा लगेगा कि अभी दर्द नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, तो लेके जाऊँगा। तो पता नहीं और कितने दिन जाते, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आज जाने का है। 10:30-11 बजे बुलाए थे, और अभी तक आधा घंटा बाकी, अभी बच चुके 10:30, तो आधा घंटा बाकी है, आधे घंटे में पहुँचने का है, तो यहाँ से 5 मिनट में आराम से मैं पहुँच सकता हूँ।
तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी जाता हूँ और जाके वहाँ पे बैठने का ही नंबर में नंबर जैसे लगते वैसे अपने को भी जाके बैठने का है, क्योंकि 10 बजे डॉक्टर आते और 11 बजे मतलब नंबर तो ज़्यादा रह गया और अपना तो आज का अपॉइंटमेंट है तो इसलिए अपने को ले गए, अपने को फ़ोन करके बुलाए थे। कल मैं गया था तो तभी भी बोले थे और कल परसों शाम को फ़ोन किए थे तो कल का माँ का था, लेकिन कल माँ को थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसकी वजह से नहीं किए, आज करेंगे। कल मैं गया था तो सर को बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बोले ठीक है कोई बात नहीं कल लेके आ जाओ, तो आज जाने का है माँ को लेके। ठीक है चलो मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में डायरेक्ट डॉक्टर के पास, अभी नाश्ता रेडी है जाके नाश्ता करता हूँ और फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ। सो अभी रिक्शा में बैठा हूँ ऑटो में और जा रहा हूँ माँ को लेके, माँ भी यहाँ पर है और पौने 11 बज चुके, लेट हुआ है, देखता अभी क्या होता है क्योंकि अभी नंबर ज़्यादा लगे रहेंगे और कितना टाइम जाता है उसका कुछ अंदाजा नहीं, क्योंकि कल मैंने जब रूट कैनल किया था तभी मेरे को आधा पौना घंटा तो गया था और इस बार तो माँ का दांत निकालने का, उसके लिए कितना वक्त जाता है कितना टाइम जाता है कुछ आइडिया नहीं है, बस पूछने ही वाला हूँ। आप लोगों को अगर आने का रहेगा ना तो जिसको नहीं मालूम रहेगा तो उसको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो ये रॉयल मेडिकल है, रॉयल मेडिकल के आगे योगेश क्लिनिक, वहाँ पर आके आप लोग ट्रीटमेंट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर लेट होगा ना तो नंबर ज़्यादा लगेंगे, वैसे ही हो गया, थोड़ा सा लेट हुए और नंबर ज़्यादा, मतलब 3 नंबर ज़्यादा थे छोटा नंबर हमारा, तो टाइम जाएगा थोड़ा, इंतज़ार करता हूँ मैं भी, माँ भी यहाँ पर है, माँ अंदर जाएगी तो आने के बाद मिलता हूँ, चलो थोड़ी देर इंतज़ार करो। सो दोपहर को हम लोग आए, लगभग 1:30 बजे आए शायद, हाँ 1:30 बजे आए हम लोग और जब ही माँ का दांत डॉक्टर ने निकाले मैं वहाँ पर ही था सामने, रे बाप तब कैसी तकलीफ़ भी रहेगी उनको यार देख के, मैं बहुत डर गया, खतरनाक पोजीशन थी, खतरनाक हालत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, घर पे आए थोड़े से आराम किए माँ ने और अभी आराम करने के बाद आइसक्रीम दिया था खाने को और उसके बाद क्या पेस्ट पिए पेस, क्योंकि चावल वगैरह खाना खाए नहीं, बोले मैं पेस्ट पी लेती हूँ तो पेस्ट बनाए, पेस्ट बना के दिए उनको और अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का डॉक्टर हो चुका है, डॉक्टर दांत का डॉक्टर हो चुका है, अभी ये दर्द जब भी कम होगा ना कम्प्लीटली कम होगा तो सोचूंगा मानगांव में लेके जाने के लिए, जो आँखों का ऑपरेशन है करने का मोतीबिंदु का वो करके आऊँगा। ठीक है तो अभी थोड़ा जाता हूँ नीचे, मेरा कुछ काम है, बताता हूँ आपको। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा काम कुछ बाकी है, वो तो काम ऐसा है कि रोज़ाना देख रहा हूँ जो गुलाब के पौधे वो देख रहा हूँ मैं, लेकिन लेने के थे मेरे को, फाइनली लेने के लिए आया और ये कहाँ पर है मालूम है, गाड़ी तो इनकी लगती शिवाजी चौक में, लेकिन यहाँ पर अगर स्कूल के सामने आएंगे, ये स्कूल कौन से 3 नंबर ना, 3 नंबर स्कूल के यहाँ पर आएंगे ना तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर, और पीछे है वीरेश्वर मंदिर इस तरफ है, तो वीरेश्वर मंदिर के पास आएंगे तो ये फूल वाले मिलेंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छे दरख्त है, आम के पौधे, नारियल का बहुत सारे है ना, तो अभी फ़िलहाल ये मैं 2 चॉइस किया हूँ, येलो कलर का और रेड कलर का, तो ये 2 ले रहा हूँ मैं, तो जाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ घर में, और ये एक्चुअली लेके जाने वाला हूँ गाँव में, क्योंकि गाँव में छोटा सा बगीचा है ना उसमें लगा होगा तो बहुत अच्छा दिखेगा, चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में घर पे जाने के बाद। सो अभी घर पे पहुँचाओ, हाँ अभी जस्ट घर पे पहुँचाओ और जो पौधे लाया था मैंने गुलाब के वो यहाँ पे गैलरी में है इस तरफ, बहुत ही ब्यूटीफुल, इसको देखो कली आई है ना, इसको भी आई है और ये रेड वाले को भी आई है और इसको भी आई है यहाँ पर येल्लो वाले को, और तीनों है ना तीनों दरख्त, तीनों भी पौधे, इनको 1, 2, 3, 4 अलग अलग टहनियाँ, इसको नए नए आए, इसको 4 आए, नहीं इसको 3 आए, इसको 3 आए और इसको 4 आए, तो ये टहनियाँ फूटना मांगता है तो वो दरख्त है ना जल्दी से बड़ा होता है और उसकी लाइफ रहती है अच्छा रहता है। तो अभी यहाँ पे बरू आई, बरू बोलती है मैं पौधों को पानी डालती हूँ गुलाब के, और बरी रानी लाइए पानी
और अभी डालेगी। रुका तेरी कुर्सी में, इधर लेता हूँ। ओके अब यहाँ से बोरू डालेगी पानी। वेरी गुड। ओके इसमें भी डालो। ओके मज़ा ही देखो, अच्छा लगा। हाँ बोरू सुबह में भी डालेगी ना, सुबह में जल्दी उठ के पानी डाला और शाम को भी डाल। ओके चलो। सो बस बस चलो अभी डाले। ओके चलो सो अभी वीडियो एंड करते। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नहीं तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। मिलते हैं वापस अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।